स्वागतम स्वागतम। आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है ओनली एंड ओनली कॉमिक। जी हाँ, आपने स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन और अन्य सुपर हीरोज के बारे में सुना होगा, पर आज हम राज कॉमिक्स के सुपर हीरो में से डोगा इस सुपर हीरो के बारे में चर्चा करने वाले और बातचीत करने वाले हैं। और हमारे साथ आने वाले हैं सुशांत आंचन, जो इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और इस सुपर हीरो के बारे में आपको बताएंगे और समझाएंगे। रोहित जी ने कहा है कि मैं आज डोगा के बारे में बात करने वाला हूँ, तो जी मैं डोगा के बारे में बात करने वाला हूँ। ये कैरेक्टर को देखकर आपको ऐसा लगता है कि किसी ना किसी से तो मेल खाता ही है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। ये डेडपूल से तो नहीं, लेकिन पनिशर से जरूर इंस्पायर है। इसका जो मोटो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय जड़ से मिटाना, ये उसका मोटो है। आज मैं बात करूंगा ये डोगा कैसे बना। मैं बताया है वो डेडपूल से नहीं, पनिशर से मिलता है। तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि डोगा 1992 में आया। इसे बनाने वाले तरुण कुमार वाही, संजय गुप्ता और मनु द आर्टिस्ट, इन्होंने बनाया। इसका फर्स्ट एडिशन आया था वो है कफी। अब मैं बताऊंगा इसके ओरिजिन्स के बारे में। इस चंबू से निकल रहा था तभी उसे एक बच्चा दिखता है जो कचरे के ढेर में कुत्तों के साथ पला रहा है। पुलिस से बचने के लिए उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया चलता है। तभी वो बच्चे के माथे पे बंदूक ताकता है, तभी पुलिस बच्चे के माथे पे बंदूक ताकता है और पुलिस के चक्की से निकल जाता है। तभी जब वो बच्चा बड़ा होता है तो कुत्ते का बच्चा उसे नाम देता है। वही नहीं, गैंग के लोग उसे नाम देते हैं। उसे वो नाम पसंद नहीं, और खासकर उसका काम ये रहता है कि जो भी लुटे हुए लोगों को जो लाज बनाकर वो ढेरा बना देता है उसे फेंकना, ये उसका काम होता है। तभी उसकी जिंदगी एक टाइम में बदल जाता है जब सोनू नाम की लड़की आती है। सोनू जो लड़की होती है वो डॉक्टर हरकन सिंह उसे उठा लेकर आता है। सूरज ये बोलता है सोनू उसे मार डालने वाला रहता। तभी सूरज उसके पहले रात को ही वहां से भगा लेता है। सोनू के साथ जब भागता है तब वो बिछड़ जाते हैं एक नदी किनारे। नदी में वो लोग बिछड़ जाते हैं। फिर इस बात का घृणा रखता है उसमें इतना गुस्सा आता है कि वो पुलिस स्टेशन जाता है और अलकन सिंह के खिलाफ कंप्लेन कर देता है। वो बहुत सारे वहां के लोगों को एनकाउंटर में मार डालता है, वहां की पुलिस एनकाउंटर में मार डालती है। भाग निकलने के बाद वो डायरेक्ट मुंबई चला गया और वहीं से उसका एक सफर चालू हो गया, सफर गुनाहों को खत्म करने। तभी होटल में वो काम करता रहता, अपने पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते। लायंस जिम और किलर जिम के बीच मुठभेड़ चलते हैं और किलर जिम पे भारी पड़ता है। ये देखकर सूरज बहुत प्रभावित हो जाता है और वहाँ के इंस्ट्रक्टर अदरक खान के पास जाता है। वो सारी बात बता देती है। पहले तो अदरक खान मानने को तैयार नहीं होते, उसे लेने को तैयार नहीं होते। फिर वो बच्चों को लेते हैं क्योंकि उसका जो डेडिकेशन, उसकी जो मंशा वो होता यूँ है। किलर जिम, लायन जिम के सामने कंपटीशन होता है, बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन इन दोनों के बीच छिड़ जाता है। तभी किलर जिम लायन जिम को
डालता है, अदरक चाचा को बुरी तरह से घायल कर देते हैं, तभी सूरज के मन में जो घृणा पहले उत्पन्न हुआ था उससे और ज्यादा उत्पन्न हुआ उसके घृणा, तभी वो डोगा बन जाता है। डोगा बनकर किलोटा से बदला लेता है, किलोटा कोई और नहीं किलर जिम का मालिक होता है, उसे मारकर फिर बाद में अलकन सिंह से भी बदला लेता है। उसके बाद जब अदरक चाचा को ये बात पता चलती है, जब किलोटा को मारने के बाद अदरक चाचा को ये बात पता चलती है डोगा कोई और नहीं सूरज है, तो इसमें बहुत डरता है। अभी मैं बताऊंगा इसके पावर्स के बारे में। दूसरे स्किल की बात करें तो उसके पास है मार्क्समैनशिप, वो सटीक से सटीक निशाना लगा सकता है। इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, उसे कैसे मिला है। फिर है हेवीवेट बॉक्सिंग, फिर है मार्शल आर्टिस्ट, और भी कुत्तों के सामने कुत्तों से वो कम्युनिकेट कर सकता है। आप पूछेंगे कैसे, आपको पता है जैसे मैंने बोला कि वो कुत्ते के पास से ही मिला है, कच्चर के देर में कुत्तों के पास ही मिला है, तो उसकी वजह से वो कुत्तों से कम्युनिकेट कर सकता है। उसकी काफ़ी सारी एडिशंस ऐसे है जो कुत्तों से कम्युनिकेट करके उससे अपनी जानकारी हासिल किया। 26-11 और गटर हमारा। अब मैं बात करूँगा उनके चाचा के प्रोफाइल। चाचा का प्रोफाइल चाचा भी बोला जाता है, वो एक प्रोफेशनल हेवीवेट बॉक्सर है। उनका जो भी ज्ञान है वो सूरज में दिया, जिम का जो भी वो सब सूरज में। दुनिया चाचा का काम है बॉक्सिंग, वो भी एक जिम चला, ये चारों जिम चला। इनका जिम का नाम जरा अलग है, सिर्फ एक चीज मिलता है वो है लायन, वो है हेवीवेट बॉक्सर, वो भी इन्होंने। जैसे मैंने बोला कि डोगा के नाम के बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो डोगा के नाम के बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो जी मैं बताने वाला हूँ। नाम से आपको ऐसा लग रहा है कि डोगा का नाम डॉग एंड आर, लेकिन उसके एक पब्लिश सीरीज में, उसके एक प्रकाशित सीरीज में उसको दिखाया गया है कि उसके नाम का क्या रीजन है। ये माने तो अभी मैं उसके दोस्तों के बारे में बताने वाला हूँ। जी दोस्तों के बारे में, अगर आपको एक चार चाचा के बारे में और थोड़ा सा जानकारी चाहिए तो आपको 4 मिनट पढ़ना पड़ेगा। सुनो ना, दिल कह रहा है लालच बड़ी खूबसूरत बला है, देखो ना किसकी दुआ है आसमां छू ले जो